आज अवध, गोरखपुर और काशी क्षेत्र के सांसदों के साथ बैठक कल हुई थी। ब्रज पश्चिम कानपुर क्षेत्र के 39 सांसदों की बैठक में दो टूक संदेश दिया गया। यूपी चुनाव में होगी सांसदों की बड़ी भूमिका। बैठक में जन आशीर्वाद यात्रा निकालने का फैसला लिया गया है। जनता के बीच जाकर नए मंत्री जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। नए मंत्री 16-17-18 अगस्त को जन आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे। जन आशीर्वाद यात्रा के तहत खुली जीप में अपने अपने जिलों में जाएंगे, जनता से सीधा संवाद कायम करेंगे, अपने जिलों के पास के लोकसभा क्षेत्रों में जनता से संवाद करेंगे और इस यात्रा के जरिए जनता की नब्ज टटोली जाएगी। यह जिम्मेदारी सांसदों को दी गई है। जनता के सामने केंद्र सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे सांसद और जिस समाज से केंद्रीय मंत्री बने हैं उनका भरोसा भी जीतेंगे। इसके अलावा बड़ा सवाल यह है कि यूपी चुनाव को लेकर बड़ी रणनीति क्या बन रही है, जल्दी से उस पर भी एक नजर डालते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने जनता से सीधे संवाद करने की सलाह दी है। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री सरकारी राशन की दुकानदारों से बात करेंगे। यूपी के 80,000 से ज्यादा सरकारी राशन दुकानदारों से सीधे संवाद होगा, सीधे प्रधानमंत्री जुड़ेंगे। संवाद के दौरान सांसद, विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। संवाद में प्रधानमंत्री गरीब अनाज योजना की पर बात करेंगे, गरीब अनाज योजना के फायदे नुकसान पर बात करेंगे, यानी जनता की नब्ज टटोलेंगे क्योंकि कोरोना काल में ये योजना बहुत महत्वपूर्ण थी। इसके अलावा टीकाकरण को बढ़ाने के लिए पीएम राशन के दुकानदारों को प्रेरित करेंगे। ये तमाम वो बातें हैं, ये तमाम जो रणनीति है वो बनाएगी।